नमस्कार। आप तमाम जो दर्शक हैं फॉलोअप के, और खासकर जो युवा बेरोजगार हैं और जो इस मुहिम में लगे थे कि 60-40 नहीं चलता, अब उनके लिए क्या अपडेट है? क्या वो अपने घर से रांची आ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने, या फिर विधानसभा का घेराव करने? इस आंदोलन में क्या कुछ बदलाव हुआ है, वही हम जानने आए हैं। और ये जो सारे छात्र नेता हैं, वो आपको बताएंगे कि किस वजह से ये आंदोलन स्थगित किया गया। जैसा आप लोग ऊपर कैप्शन में देख भी रहे होंगे, इसके पीछे की क्या रणनीति है। हमारे साथ सभी लोग हैं, शुरुआत एक एक करके करते हैं। 60-40 नहीं चलता, ये आंदोलन आप लोग दिए, आप लोगों को कई दलों का नैतिक समर्थन मिला, कई नेताओं ने इस लाइन को कहा 60-40 नहीं चलता। अब क्या हुआ, जब कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव आप लोग कह रहे थे कि हम करेंगे, उपायुक्त को लेटर भी दे दिया था, अब क्यों बदल दिया आंदोलन? हम लोग का जो कल का कार्यक्रम था, इतना जबरदस्त था कि पूरे राज्य से, बस से, ट्रेन से, हर जगह से पहुंच रहे थे। ये साथ सरकार को पहले आभास हो चुका, और इसी वजह से हमारा इस आंदोलन को सीरियस लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए, आंदोलन का इतिहास में पहली बार हमें प्रशासन के माध्यम से वार्ता के लिए बुलाया, और हमारे जितने भी मांग थे सभी मांगों को इतना गहन चिंतन मनन करते हुए, गंभीरता से वर्ड बाय वर्ड पढ़े, उस पर डिस्कशन किए और कहे कि सारा आप लोग का बात डिस्कशन, ये मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब अपने आवास पे, और उसके साथ ही साथ राज्य मंत्री जो अभी योगेंद्र जी बने हैं, और इसके अलावा कुछ कुछ गणमान्य लोग थे, कुछ अधिकारी पदाधिकारी भी आए हुए थे। कम से कम हम लोग का 2-2.5 घंटा वार्तालाप हुई है। तो हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग समाधान चाहते हैं, हम लोग कोई आंदोलन जीवी नहीं है कि आंदोलन 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 करते रहते हैं। तो राज्य के युवाओं से हम यही अपील करना चाहेंगे कि कल का जो कार्यक्रम है, वह फिलहाल हम लोग वार्ता के परिणाम उसको स्थगित किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि समाधान हम लोग का हो। और मतलब जब आप लोग उपायुक्त को दिए पत्र कि घेराव करेंगे, उसके बाद क्या डीसी ने आपको फोन करके बुलाया कि नहीं मंत्री जी से वार्ता कर लीजिए, या कोई और तरह से? हम लोग को एडीसी साहब थे ना, एडीसी साहब खुद आए, हम लोग को बोला गया था, मुख्यमंत्री व साहब से भी मिलाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ शेड्यूल के कारण शायद वो 1-2 दिन में बोले हैं मिलाएंगे, लेकिन बाकी उसके बाद कुछ कुछ मंत्री लोग बिजी शेड्यूल में भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग के लिए समय निकाले, यह तो धन्यवाद का पात्र और सराहनीय कदम है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 दिन के अंदर हमारा जो डिमांड, हम लोग का जो मांग पत्र है, सारे मांग हम लोग का पूरा हो जाए, और हम सभी छात्रों से फिर से निवेदन करेंगे कि कल आप लोग रांची मत आइए, और अगर हम लोग का मांग पर अगर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हम लोग आगे फिर रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि हम लोग एक छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो सरकार को हम लोग एक फिर मौका दे रहे हैं। ऐसे तो सरकार पिछला विधानसभा चुनाव में एक महीना का समय मांगे थे, लेकिन 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना होने जा रहा है, फिर भी हम लोग अपना धैर्य बनाए रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, और फिर एक मौका दिए, इसके बावजूद अब नहीं होगा, सरकार अगर ठोस निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित ही आगे फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, 50,000 से अधिक संख्या में छात्रों को जुटाने का एक रणनीति बनाया गया था, संथाल परगना के आखिरी छोर साहेबगंज पाकुड़ से लेकर पलामू गढ़वा तक सारे जिला के 2400 जिला के छात्रों को ये कहा गया था कि आप रांची पहुंचिए। अब अचानक जब कल सुबह होने वाली है तो आंदोलन स्थगित किया गया, मंत्री आलमगीर आलम ने पहल किया है, की बोल रहे मंत्री जी? मंत्री जी बोलने क्या, हम खुद बोलिए कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लोग रहने चाहिए, अभी वर्तमान में पीएम के बहाली आ गए कि जैसे रामगढ़ जिला में, देवगढ़ में, जामताड़ा में, हजारीबाग में पीएम के बहाली है, ओकर में थर्ड फोर्थ ग्रेड में पूरे भारत के नागरिक अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ के आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड हम बोले पूरा क्लोज कीजिए, हरगिज नहीं होना चाहिए, बाद बाकी 90 और 10 जो है वो चलने दीजिए, और 60-40 हरगिज नहीं चलेगा, क्योंकि छात्र हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। आज 22 साल से हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है, 22 साल झारखंड भी जवान हो गया है, 18 साल में लड़का जवान हो जाता है, लेकिन झारखंड अलग हुए, 22 साल हो गया है, झारखंड भी जवान हो गया, झारखंड के छात्र और बेरोजगार युवा भी जवान हो गए, और वर्तमान में बर्बाद हो रहे हैं, तो बर्बाद के कागार में मत लाइए, और जितने भी है थर्ड और फोर्थ ग्रेड का लोग कीजिए, 6 महीना के अंदर जितने भी बाहर आप क्लियर कर दीजिए।
मेरा कहना यही था सर। तो मंत्री जी क्या बोले? एकदम बिल्कुल आप लोग का जो मांग है जायज है, हम लोग बिल्कुल करेंगे, उसी अनुसार काम करेंगे। खुद मंत्री जी के बातों से लगा कि अब वो सीरियस है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि 60-40 होगा। वो पूछ रहे थे कि अब 60-40 का ये सगुफा कहाँ से आया, किसने दिया? तो हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोगों ने डिटेल समझाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग इस पर अभी स्पष्ट करने वाले हैं, 2-4 दिन के अंदर स्पष्ट करेंगे, और ये 60-40 बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक हो, लेकिन 90% या 95% जो है झारखंडियों को प्राथमिकता दिया जाए। या हम लोग ने और भी सुझाव दिया है कि एज पर भी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में झारखंडियों के लिए जो है, छत्तीसगढ़ के लिए एज को कम रखा गया है, बाहर के लिए 10 साल जो एक्स्ट्रा कर दिया गया है, तो उसी तरह से हम लोगों ने भी दिया है। और एक हम लोगों ने सलाह दिया सरकार को, वो भी मानने के लिए वो तैयार है, और पॉइंट वाइज हम लोगों ने आवेदन भी दिया है। वो एक सलाह है कि झारखंड का जो है, जिस तरह जेपीएससी में एक सब्जेक्ट रहता है, इसी तरह से जेएसएससी में भी एक सब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग अभी जब नीति बनाएंगे, नियम बनाएंगे, तो आप लोगों का हर बात पर ध्यान देंगे। कितना पॉइंट इस तरीके से बताया आप लोग, यही करना चाह रहे हैं कि चूंकि सभी दर्शक आज बहुत गंभीरता से सुन रहे होंगे कि किस किस मांग पर विचार हुआ। तो सबसे पहली बात, जब अब वैकेंसी निकाला जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, तो जिस वक्त अपना नाम पता डिटेल्स भरा जाता है, उसी वक्त साथ ही साथ स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भी मांगा जाएगा। क्योंकि जो बाहर से मैट्रिक किए हैं उसको जब यहाँ फॉर्म भरने दिया जाएगा, तो वैसे बाहर से मैट्रिक वाले को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा जिसका यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं होगा। वही बाहर से मैट्रिक करने वाले भरेंगे जिसका स्थानीय क्रमांक होगा, स्थानीय प्रमाण पत्र का क्रमांक। और जो स्थानीय प्रमाण पत्र, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी कर दीजिए, फॉर्म कोई भी भरे भारत का नागरिक, वो अपने राज्य का स्थानीयता लगाए, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या फॉर्म भरने के साथ साथ। ठीक है, दूसरा आप लोग दिए कि एक सब्जेक्ट ऐसा रखिए जो झारखंड से रिलेटेड, झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हो। और दूसरा कि राज्य स्तरीय पद हो या जिला स्तरीय पद हो, सभी में जो है कि यहाँ के स्थानीय भाषा का अलग अलग जिला में, जिस क्षेत्र जिस जिला में बोला जाता है, उस जिला को उस जिला में भाषा में दीजिए। मान लिया कि एक मन कहीं वाले भोजपुरी बोला जाता है, तो एकाको जिला में बोला जाता है, तो वहाँ दीजिए। या खूंटी में जाके सरायकेला खरसावां में, वहाँ देने का तो कोई जरूरत नहीं है। भोजपुरी मगही को लेकर भी है, पलामू से आते हैं का, तो मंत्री जी बोले कि भोजपुरी मगही को देंगे कुछ जिला में। हाँ बिल्कुल बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी मगही को मतलब मौका देंगे। और उन्हें स्पष्ट बोला कि मार्च महीना में 6 से 7 आपका प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा, ये उन्होंने स्पष्ट बोला। तो मार्च तो आज 19 तारीख से ज्यादा हो गया। हाँ, तो आप 4 दिन का समय मांगे हम लोग से, 4 से 5 दिन का समय मांगे। और अगर इस बार इतना झूठ बोलेंगे ना, तो सोचिए आप छात्र फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए इस सरकार को तो हम कहेंगे कि हम लोग का जो भी वार्ता हुई है, इस पे ठोस कदम उठाए। ये पिछला बार विधानसभा घेरा जैसा 1 महीना का 3 महीना न लगाए, हम यही कहेंगे। एक समस्या है, आखिरी सवाल ले लेते हैं, बच्चों के सुझाव से अगर राज्य सरकार चली और स्थानीयता का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तो राज्य सरकार को फिर से स्थानीयता की परिभाषा करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी वीडियो सीओ कार्यालय में जाएंगे अपना स्थानीय प्रमाण पत्र लेने के लिए, तो 85 ही आधार होगा। 85 चलतो कि नहीं चलतो? देखिए, ये तो हम लोग मांग किए हैं स्थानीयता के विषय पर, हम लोग 3-4 डिमांड किए हैं जो समझने वाली बात है। क्योंकि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के उपधारा 85 के अधीन एक झारखंड राज्य को एक शक्ति प्रदान है कि बिहार सरकार का कोई भी अध्यादेश हो, कोई भी संकल्प हो, उसको वो यहाँ अंगीकृत कर सकता है। तो 3 मार्च 1982 का पत्रांक संख्या 50/14/81-800 तो है लास्ट सर्वे, तो उसको किया जाए। और जिसका अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिसका नाम छूट गया है, नहीं मिल पा रहा है, या तो भूमिहीन है, तो उसके लिए ग्राम सभा का प्रावधान है। अगर उसके अलावा 2000 से पहले से जो यहाँ आके बस रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए भी हम लोग रास्ता निकाल दिए हैं। जो 2016 से पहले जो भी यहाँ आए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं दिल से झारखंडी में स्थानीय प्रमाण पत्र बनाना, तो उसके लिए बहुत अच्छा सुझाव है कि वो यहाँ की भाषा संस्कृति सीखे और अपना राज्य का राज्य त्याग प्रमाण पत्र दे, एनओसी दे, तो उसका हिसाब किताब हो गया कि वो एफिडेविट मांगते थे कि आप दूसरे राज्य में नहीं लेंगे प्राथमिकता, आप तभी झारखंड में ले। यानी हम लोग का कहने का मतलब है कि ये 85 भी जिस तरह से
जो है आपका 60-40 नहीं चलतो, हाँ। इसी तरह 85 भी नहीं चलतो, और ये 1985 जो कटअप था, हाँ। ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसमें 6-6 दरवाजा दिया गया था, हाँ। तो इसी में हम लोग को ज्यादा लॉस हो रहा था। आप हाँ, हाँ। है कि हर जिले का जो लास्ट सर्व है वही माना जाएगा, हाँ, हाँ, हाँ। ये ग्राम सभा बिल्कुल वो भी, और हम लोग साथ साथ ये भी बोलेंगे जो 2000 से पहले यहाँ आए हैं और वो यहाँ रहना चाहते हैं, अगर वो वापस नहीं जाना चाहते तो वो यहाँ रहे, लेकिन अपना राज्य से राज्य त्याग प्रमाण पत्र लेके आए, एनओसी वो लेके आए, क्योंकि हम लोग अब समाधान चाहते हैं इस राज्य को। तो वो बोलेगा फिर लिटिगेटेड है वहाँ पे, वो लिटिगेशन नहीं, बोलेगा एफिडेविट करके ले लीजिए, हम नहीं दूसरे राज्य का लेंगे। एफिडेविट से नहीं, क्योंकि एक इस विद्यालय में कोई पढ़ रहा है, अगर दूसरा विद्यालय प्रावधान नहीं है ना किसी दूसरे राज्य में, ऐसा है क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है। 9 जनवरी 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि एक व्यक्ति दो राज्य का स्थानीय निवासी नहीं हो सकता है। 2009 का जजमेंट कहता है कि एक व्यक्ति दो जगह आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग का नियम ये कहता है कि एक आदमी का दो जगह वोटर कार्ड नहीं हो सकता। लेकिन जो सरकारी सिस्टम है उस सिस्टम में सरकार के या जिला प्रशासन के पास एनओसी देने का कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि आप एफिडेविट देके लिख के दीजिए कि हम एक ही राज्य का लेंगे, बाद में अगर पकड़ाएंगे तो आपकी नौकरी बर्खास्त होगी, आपका पैसा भी रिकवर होगा, जेल भी जाइएगा। ये इसलिए एक नया चीज हम लोग को ये चीज मिला है कि सरकार से हम लोग और मुख्यमंत्री अभी मिले, मंत्री जी को साफ बोले हैं कि जब भी नियम और नियमावली बनाइएगा तो छात्रों के प्रतिनिधि को शामिल कीजिए, ताकि विवाद ही खत्म हो। बिल्कुल, ये यदि हो गया तो हम लोग लगता है कि 99% हम लोग विवाद को ही खत्म कर देंगे, आंदोलन ही नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा। तो सरकार क्या वो बोल रही है कि हम 60-40 बनाए थे, या सरकार कह रही है कि हम बनाए ही नहीं है, आप लोग क्यों द्वंद में पड़े हैं? नहीं बनाई है और ना बनाएगी, वो बोले कि नहीं हम 60-40 ऐसा कुछ नहीं है, और जो पहले नियमावली था उसमें हम लोग बहुत जल्द संशोधन करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का जो है सुझाव दिया गया है इस पर भी हम लोग आप लोग का प्रतिनिधि को भी बुलाएंगे और इस पर नियम बनाएंगे और मुख्यमंत्री साहब से भी मिलाएंगे, ये सारी चीजें बातें हुई है। तो ये 4 दिन में हो जाए, चार दिन में ना गए तो उग्र आंदोलन है, तो बिना झारखंड के उग्र आंदोलन की बचल है, बिरसा मुंडा चांद भैरव शेख भिखारी उग्र आंदोलन कर लथिन, तब ने आज झारखंड जे एखने के नाम नहीं लेके वोट दे कर सत्ता बैठा हथिन और हम के छात्र के कुछ नहीं करा, तो वैसे बिरसा मुंडा चांद भैरव विनोद बिहारी माथे तक हम बनबे और अभी तक करे हेते, तब यहाँ के सुधार्थन विधायक मंत्री लोग का करबे लास्ट में, हम इनके जब पढ़ लिख के एमटेक बीटेक बीएड एमटेक मास्टर डिग्री लड़का के ग्रेजुएशन करो लड़का के और जब लाखों करोड़ों मतलब लॉस करके नौकरी नहीं मिलता तो क्या फायदा है, डिग्री धार के क्या करिए। अच्छा और तो नया प्रावधान सुनिए देवेंद्र जी, हम थोड़ा निगेटिव आदमी, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव करिए, तो मेरा ये सोचना है कि क्या सरकार 4 दिन का सत्र बचा है इसीलिए कहा कि 4 दिन अभी ठंडा रहो, नहीं ऐसा तो नहीं लगा ना बातचीत से, नहीं ऐसा तो नहीं लगा, उन्होंने एक बात और कहा है, हम लोग जब बोले कि अब पीजीटी और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग तमाम कुछ कुछ पद था, कुछ ही पदों में सिर्फ भाषा क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होता है, तो बाकी उस सभी परीक्षाओं में भी अब यहाँ क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा होगा जिसमें प्रावधान नहीं था, जैसे पीजीटी का हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, जूनियर इंजीनियर का हो गया, आईटीआई टेक्नीशियन का होगा, मतलब टेक्निकल पद में भी अब क्षेत्रीय भाषा का अनिवार्य था। फिर अगर सरकार बनाने में समय मतलब आप लोग जिस तरीके से बता रहे अगर वो सब बनाएगी सरकार तो फिर वक्त लगेगा, फिर आप लोग सब टूटेगा आप लोगों का, सरकार कहेगी हम फिर छात्रों का बात मान रहे हैं, सरकार तो सर्वे का हवाला दे रही है ना, जनमत संग्रह के आप सर्वे का बोल दिए कि सर्वे का हम लोग अब नहीं है, अब आप लोग से जो मांग किया जा रहा है इस मांग पत्र पे हम लोग विचार करते हुए करेंगे, और आप लोग ये भी बोले कि अगर पहले वाला चाहिए तो हम सुप्रीम कोर्ट अभी बोले कि अभी बोलिए हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बोले एकदम टेबल ठोक के बोले मंत्री साहब, आप लोग नहीं बोले सुप्रीम कोर्ट, नहीं हम लोग बोले बिल्कुल नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, चूंकि सुप्रीम राज्य सरकार में हम लोग का समाधान साल खत्म हो चुका है समय का, अब मतलब 1.5 साल बचा ही है, और लास्ट साल में तो जानते ही हैं आप लोग भी कि ये चुनावी वर्ष हो जाता है 2024, इसलिए मात्र 6 महीना हम लोग के बचा है, इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते कि आंदोलन हो और सरकार भी चाह रही है कि इसका समाधान हो, बस यही कोई ठीक है। अब आगे क्या लग रहा है कि सरकार हो जाएगा, 4 दिन में इतना फॉर्मूला सेट करना आपको लग रहा है, फिर से कैबिनेट बुलाना होगा, फिर से ड्राफ्ट करना होगा सिस्टम, क्योंकि सरकार तो आरक्षण खत्म कर चुकी थी, हमको पूरा उम्मीद है कि अगर 4 दिन में सरकार जिस तरीके से बात करने से उनका लगा स्वभाव से ये निश्चिंत ये 4 दिन में कोई सकारात्मक पहल आएगी, ठीक है विश्वास है उन्हें, विश्वास इसलिए है कि कुर्सी पावे के लिए
जैनी करने जाओ, मरद करने जाओ या घर के फैमिली का हो, वकील के मतलब ना ना कुर्सी पाओ के लिए कुछ भी करा तुम। इसलिए हो सकता हो कि कुर्सी 2024 में जाना डगमगा रहा हो, तो बचावे खातिर कुर्सी में बैठे खातिर लागू भी कर सके। तो विश्वास पर में नहीं दुनिया कायम टिकल है, हमने विश्वास कर ले, विश्वास किया है छात्रों ने। छात्र नेता कह रहे हैं कि हमको सरकार पे विश्वास है पूर्ण रूप से, लिहाजा चार दिन का वक्त जो मंत्री आलमगीर साहब की ओर से मिला है उसमें काम हो जाएगा और सिस्टम वो निकल जाएगा जिसमें अधिक से अधिक झारखंडियों की हितों की रक्षा होगी, हितों की भावनाओं की रक्षा होगी। बोले वो हम लोग बनाए हैं और बताए भी हैं, साथ साथ एक और आग्रह किया है कि छात्रों को रखा जाए उस समय जब नियोजन नीति ड्राफ्ट की जाए। अब देखना होगा कि सरकार जितना पेच हम लोगों के बात वार्तालाप में निकला है क्या उससे अधिक पेच है, क्या इसमें और समय लग सकता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कल आंदोलन स्थगित है, आप चैन से बैठ सकते हैं अपने घरों में। शुक्रिया।